नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और योग साक्षी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आपके शोल्डर पेन जो है, जो नेक पे आपके स्ट्रेन पड़ जाता है या शोल्डर में जो पेन होता है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जो हमारा सिटिंग पोस्चर है, जिस तरीके से हम बैठते हैं या हम सोफे पर बैठते हैं, बेड पर बैठते हैं, अक्सर हम आरामदायक पोजीशन में बैठते हैं, उस टाइम के लिए तो आपको आराम लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे जो शोल्डर्स और नेक है वहाँ स्ट्रेन पड़ता है या पेन होने लगता है। रात को हम किसी गलत पोजीशन में सो जाएँ या तकिया हमारा सही लेवल पर नहीं होता है तो भी हमारे को शोल्डर पेन उठता है। आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस जिससे आपको नेक एंड शोल्डर पेन में रिलीफ मिलेगा। शुरुआत करेंगे हम नेक रोल से। अपनी गर्दन को हम घुमाएंगे, ठीक है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, इसमें सांसों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ईजी इनहेल एंड एक्सहेल रहेगा। नीचे से शुरुआत करेंगे क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको वो महसूस हो रहा है पूरा स्ट्रेच। आगे आ रहे हैं तो पीछे की साइड, इस साइड पे हैं तो दिस पोर्शन इज गेटिंग स्ट्रेच। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना। नेक रोटेशन आप 4 से 5 बार कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। हम करेंगे शोल्डर एंड नेक स्ट्रेचेस। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना हाथ लेना है, माथे पर रहेगा, दूसरा हाथ आपके शोल्डर पर रहेगा। यहाँ पे आप अपनी गर्दन और शोल्डर, जो स्पाइन है, स्पाइन आपकी पूरी स्ट्रेट रहेगी। एंड देन आप इस तरीके से इसको स्ट्रेच करेंगे। जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपके यहाँ के जो मसल्स हैं, शोल्डर मसल एंड नेक मसल, यहाँ पर आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। यही चीज हम दूसरी साइड से करेंगे। यहां पे आपको पूरा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। 4 से 5 बार आप कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, कोई असाइनमेंट कर रहे हो, घर पे हो, कहीं भी आपको अगर ये पेन शुरू होता है सुबह उठ के या शाम के समय, ये स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुखासन। काफ़ी ही आसान है ये। आपका जो लेफ्ट नी है वो नीचे होगा, राइट नी आपका ऊपर होगा, दोनों घुटने अलाइंड होंगे आपके। पोजीशन ले लेंगे हम गोमुखासन के लिए। जैसे कि आपका राइट नी ऊपर है, सो हमारा जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। पीछे से हम कोशिश करेंगे हाथों को पकड़ने की। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए एंड इस पोजिशन में हम स्ट्रेच को महसूस करेंगे हमारे शोल्डर्स की तरफ। यहाँ पे आप नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। इस पोजीशन को आप 10 से 12 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं एंड फिर धीरे से आप इसको रिलीज कर लेंगे। अगर आपके हाथ पीछे नहीं भी जा रहे हैं या आप एक दूसरे हाथ को ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जितनी दूरी तक आपका हाथ जा रहा है उतना ले जाइए, काफ़ी है। इसी को हम अब दूसरे साइड से करेंगे। अब हमारी राइट नी नीचे रहेगी एंड लेफ्ट नी ऊपर रहेगी, अलाइन रहेगा। ये आसन कंसंट्रेशन में भी बहुत मदद करता है हमारे को। अब हमारा जो लेफ्ट नी है वो ऊपर है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर रहेगा, राइट हैंड नीचे रहेगा। पीछे होल्ड करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। 10 टू 12 सेकेंड्स नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल होगा। एंड देन रिलीज। आपको पीछे से मैं दिखा देती हूँ कि कैसा रहेगा। इस तरीके से पैर अलाइन रहेंगे आपके, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी एकदम। मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा। पीछे हम इसको होल्ड करेंगे, इस तरीके से आप स्ट्रेट रहेंगे। Thank you.
अगर आपका हाथ इतना भी है या ऐसे भी है तो भी कोशिश धीरे धीरे समय के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं एंड देन रिलीज। ये सारे योगा एक्सरसाइजेस का आप अभ्यास ज़रूर से कीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके ये मसल स्टिफ्ड हैं या यहाँ पे स्ट्रेन है आपकी मसल्स में तो बहुत ही आराम से आप अपने स्ट्रेचेस को करेंगे, ज़बरदस्ती अपने आप के साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जैसे कि पॉल्यूशन के कारण दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन बढ़ गया है उसकी वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि घर के अंदर करें, क्लोज इन्वायरमेंट में करें, एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए। अगर उसकी सुविधा नहीं है तो सुबह सुबह आप जाइए पार्क में और फिर कीजिए, क्योंकि हम डीप इनहेल एंड एक्सहेल के एक्सरसाइजेस भी हैं इसमें। सो ध्यान रहे कि हमारे लंग्स पर ज़्यादा अफेक्ट ना हो। और भी किसी योगा एक्सरसाइजेज या बीमारी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। ख्याल रखिए।